हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारे जो प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें यहाँ पे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग परफॉर्म करनी है। और किस प्रकार के ड्रग की फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करनी है? दैट कैन बी एनी वन ऑफ द ड्रग विच इज़ बिलोंग्स टू द ग्लाइकोसाइडल केमिकल कैटेगरी। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का मतलब अगर हम जानते हैं तो इस फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अगर हम वर्ड को देखते हैं तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट विद इन द प्लांट, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। एंड द आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन बाय द सम स्पेसिफिक स्पेक्ट्स। फर्स्ट स्टेप द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रूड ड्रग पाउडर। आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो मैंशन किया गया है स्टैंडर्ड बुक के अंदर मैंशन किया गया है, वो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके अंदर किस तरीके से हमें एक्टिव कॉन्स्टेंट को और फाइटो कॉन्स्टेंट को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसका मैंशन किया गया है। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो कि स्टैंडर्ड बुक के अंदर मैंशन किया गया है। और आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वी विल गेट द एक्सट्रैक्ट एंड द आइडेंटिफिकेशन विल बी परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट। आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो दो तरीके से कर सकते हैं। एज पर द लेबोरेटरी कंडीशन वी कैन परफॉर्म द केमिकल टेस्ट एज वेल एज वी कैन परफॉर्म द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वी कैन अप्लाई। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट वी कैन से दैट द एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड इज बिलोंग्स टू द ग्लाइकोसाइडल एक्टिव कॉन्स्टेंट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो वैन यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ द ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग, इन दिस ऑब्जेक्ट द ड्रग विच हैज़ बीन सेलेक्टेड दैट इज द लिक्योरिस ड्रग। तो सबसे पहले हमें इस ड्रग के बारे में पता होना चाहिए कि लिक्योरिस ड्रग क्या है, और उससे रिलेटेड हमें जो जानकारी रखनी है वो उसके कॉमन नेम से हो गई, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट हो गए और इसके मेडिसिनल यूजेज हो गए। उसके बाद हम अपने प्रोसीजर पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि किसी भी ड्रग के डायरेक्टली अगर हम एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग पे जाते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस ड्रग की क्या इन्फॉर्मेशन है, वो पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी लिक्योरिस ड्रग के बारे में। हालांकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट पे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें डायरेक्टली हम फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग पे जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आप स्पेसिफिकली अपने जो फाइल है उसमें ज़रूर मेंशन कर देंगे। ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन है वो कई फार्माकोग्नोसी की जो बुक है उसमें मेंशन की गई है। केवल तीन हेडिंग के बारे में हमें डिस्कशन करना है, चार हेडिंग के बारे में डिस्कशन करना है। एक तो कॉमन नेम आ जाएगा सबसे पहले, फिर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स आ जाएगा, फिर केमिकल कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, और फिर लास्ट में मेडिसिनल यूज़ आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे जो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ उस पर मेंशन नहीं है, मगर ये आपको अपनी फाइल के अंदर लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले इसके कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। जो ड्रग हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के लिए उसका नाम है लिक्योरिस ड्रग, और इसको हम मुलैठी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्वीट रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो मुलैठी एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, जनरली इसके बारे में जानकारी होती है। स्वीट रूट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि इसकी स्वीटनेस को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर इसको स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और रूट जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच वी आर एबल टू गेट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जब हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे, दिस इज़ द ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसिराइजा जो है जीनस का नाम होगा, और जो ग्लैब्रा होगा इसकी स्पीसीज का नाम होगा। एंड दिस ड्रग इज़ बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज़ द लेग्यूमिनोसी। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में जब बात करते हैं तो मेनली ये जो ड्रग है ये हमारी ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, और ग्लाइकोसाइड के अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा मेडिसिन एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती है। जब हम उस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन आता है जो कि ये ग्लाइकोन मोइटी से रिलेटेड है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड को सेपोनिन ग्लाइकोसाइड क्यों बोलते हैं? ये वो स्पेशलाइज टाइप की ड्रग है जिनके ड्रग पाउडर को अगर हम वाटर के साथ
शेक करते हैं तो वो फॉर्म प्रोड्यूस करता है, सोप की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको हम सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कैटेगरी है ड्रग की जो हमारी सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आएगी, और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड को फिर से फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है जो कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ा था, पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड एंड द टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड। पेंटासाइकिल का मतलब है कि इस ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं उसके अंदर फाइव रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, वो होगी हमारी पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड। और जब हम टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के बारे में बात करेंगे, टेट्रा का मतलब हो गया फोर और साइक्लिक का मतलब फोर रिंग की प्रेजेंट पाई जाती है। तो अगर फाइव रिंग की प्रेजेंट है उसे पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड, अगर फोर रिंग की प्रेजेंट है तो उसे टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड। तो ये जो हमारी जो लिक्योरिस ड्रग होती है ये पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो मेनली एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाया जाता है उसके जब केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें फाइव रिंग हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के, इसके भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के अंदर आती है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं डायस्कोरिया का एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा, शतावरी का आ जाएगा, गोखरू का आ जाएगा, दीज आर द वेरियस डायोसजेनिन का भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा। तो वेरियस टाइप के जो एग्जांपल है वो टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के अंतर्गत आते हैं, मगर जो हमारी जो ड्रग है लिक्योरिस वो हमारी पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड के अंतर्गत आती है। जब हम लिक्योरिस की एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करते हैं, मेनली इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जाता है वो होता है हमारा ग्लाइसिराइजिनिक एसिड, ग्लाइसिराइजिनिक एसिड, ग्लाइसिरिटिनिक एसिड, इसके स्वीटनिंग एजेंट जो मैनिटोल की प्रेजेंस भी पाई जाती है, इसके अंदर अदर एक्टिव कॉन्स्टेंट की प्रेजेंस पाई जाएगी, मगर अगर मेजरली अगर देखा जाता है तो इनके अंदर ग्लाइसिराइजिनिक एसिड जो होता है वो मेनली रोल प्ले करता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लाइसिराइजिनिक एसिड, ग्लाइसिरिटिनिक एसिड और मैनिटोल प्रेजेंट रहेगा, शुगर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर द मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कि इस ड्रग के अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन यूजेस के बारे में। ये जो ड्रग है कई प्रकार की मेडिसिन एक्टिविटी को प्रोड्यूस करती है, मेन तो इसका यूज़ एक्सपेक्टोरेंट तो है ही, इसके अलावा ये एंटी अल्सर इफेक्ट, मिनरोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने जनरल जानकारी दे दी है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है ड्रग के केमिकल कॉन्सटेंट के बारे में, मेडिसिनल यूजेस के बारे में और इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना एक्सपेरिमेंट जो कि फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग द जनरल और स्पेसिफिक काइंड ऑफ द सॉल्वेंट विच इज़ यूज टू सॉल्युबलाइज द फाइटोकॉन्स्टिटेंट्स एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सॉल्वेंट द ड्राई रेसिड्यू वी विल बी ऑब्टेन एंड दिस ड्राई रेसिड्यू इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट। हाउ वी आर एबल टू डिफाइन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स इट कंटेन द मिक्सचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट, इट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट। आफ्टर गेटिंग द एक्सट्रैक्ट वी आर एबल टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। अभी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर किस कर रहे हैं उसका प्रोसीजर पार्ट क्या रहेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइसिराइजिन फ्रॉम द लिक्योरिस, जब हम लिक्योरिस के अंदर देखते हैं कई प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं जैसे कि ग्लाइसिराइजिन है, ग्लाइसिराइटिनिक एसिड है, बुक के अंदर जब हम देखते हैं कई प्रोसीजर पार्ट हमें दिखाई देते हैं, उनमें एक प्रोसीजर पार्ट आता है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द अमोनियम ग्लाइसिराइजिनेट, अमोनियम ग्लाइसिराइजिनेट किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा लिक्योरिस में से, और दूसरा ग्लाइसिराइजिन को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्लाइसिराइजिन से रिलेटेड है, उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है वो क्या होगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में पहले हम 10 ग्राम जो है लिक्योरिस पाउडर लेंगे, उसको वाटर के साथ बॉयल किया जाएगा, और वाटर की जो क्वांटिटी लेंगे वो 30 ml लेंगे, 30 ml लेंगे और 15 मिनट तक हम उसको बॉयल करेंगे। जब कंप्लीट बॉयलिंग हो जाएगी आफ्टर द 15 मिनट्स उस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन कर देंगे, जो फिल्ट्रेट जो आएगा उसको हम एसिडिक बनाएंगे, अप टू 3 to 4 pH उसकी मेंटेन करेंगे, और वो जो pH जो मेंटेन की जाएगी बाय द एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है उसके एडिशन करते रहेंगे जब तक कि उसकी pH 3 to 4 तक ना हो जाए। यहाँ पे मेंशन नहीं है 3 to 4 pH, आप इसको मेंशन कर लेना 3 to 4 pH उसकी मेंटेन करनी है।
जैसे ही हम पीएच को मेंटेन करते हैं तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होने लगती है, और बच्चों यही जो प्रेसिपिटेट जो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं ये हमारे ग्लाइसराइजिन के होते हैं। इन प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कर लिया जाता है और इनको वॉश किया जाता है कोल्ड वाटर के साथ, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा। गर्म करने का कारण ये है क्योंकि हमने इसको कोल्ड वाटर के साथ वॉश किया है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी उसके अंदर रहेगी। वाटर को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए इवेपरेट टू ड्राइनेस का प्रोसेस किया जाएगा। वाटर बाथ के ऊपर डायरेक्टली कभी भी हीट नहीं करना है। कई बार होता क्या है कि बच्चों हम जो भी रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट भी है और हमारा एक्सट्रैक्ट भी है, तो सॉल्वेंट को जब इवेपरेट करेंगे तब जाके हमें रेसिड्यू मिलेगा जिसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम जो सॉल्वेंट होते हैं, काफ़ी इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, मिथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया। तो कई बार हम मैनुअल एरर क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हम हीट पे गरम, डायरेक्टली उसको फायर के कांटेक्ट में लाके गरम करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, और ट्राइपॉड स्टैंड लगाने के बाद उसको डायरेक्टली हम उसको बर्नर से गरम करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ़ टाइम ये पाया गया है कि उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आग लग जाती है तो सॉल्वेंट उसके अंदर इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट है, आग पकड़ लेगा, और जैसे ही आग पकड़ेगा तो जब तक आग रहेगी तो वो हमारे एक्सट्रैक्ट को भी चैरिंग कर सकती है, उसको भी जला सकती है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको बर्नर पे रख रखा है डायरेक्टली ट्राइपॉड स्टैंड के सहारे, और जब उसको गर्म कर रहे होते हैं, गर्म करते वक्त हम चले जाते हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसके अंदर चैरिंग होने लगती है। पूरा सॉल्वेंट तो एवेपोरेट हो गया, अब बचा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट ही फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और जैसे ही फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पर चैरिंग होने लग जाती है, हमारा एक्सट्रैक्ट पूरी तरीके से जल जाता है। अगर एक्सट्रैक्ट जल गया तो वो फिर किसी काम का नहीं है, हमारी सारी की सारी जो एक्सट्रैक्शन की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ हमारे प्रिकॉशनरी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे वाटर ही क्यों ना हो, इसके अलावा अगर और भी कोई सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली हमें फ्लेम के कॉन्टैक्ट में सॉल्वेंट को इवेपोरेट नहीं करना है। वी ऑलवेज यूज़ द वाटर बाथ, देन वी पुट अवर चाइना डिश ओवर द वाटर बाथ, देन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन शुड बी कैरिड आउट। तो ये कुछ मैनुअल एरर्स जनरली हमारे द्वारा होती हैं। तो जब वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ ग्लाइसराइजिन के प्रेसिपिटेट को वॉश किया जाता है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, तो वाटर कंटेंट को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए इवेपोरेट टू ड्राइनेस का प्रोसेस किया जाएगा, जो कि वाटर बाथ पे किया जाता है। जब पूरी तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है तो हमें शाइनी ब्राउन कलर के ग्लाइसराइजिन के प्रेसिपिटेट ऑप्टेन हो जाते हैं। अब बच्चों, ये जो प्रेसिपिटेट ऑप्टेन हुआ है इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करना है, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन या तो हमारी केमिकल टेस्ट होगा या फिर हमारी TLC। तो सबसे पहले हम TLC के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में केमिकल टेस्ट के बारे में बात करूँगा। ये जो सैंपल जो हमें मिले हैं ब्राउन कलर के ग्लाइसराइजिन के जो प्रेसिपिटेट हैं, इसको TLC के सैंपल प्रिपरेशन के लिए तैयार करने के लिए कुछ हमें मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर पार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो सैंपल फॉर TLC वाज प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग द एक्सट्रैक्ट विद 10 ml इथेनॉल, रिफ्लक्स लगाना पड़ेगा, रिफ्लक्स करना पड़ेगा उसको 10 ml इथेनॉल के साथ। जब कंप्लीट रिफ्लक्सिंग हो जाएगा, सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे, जो फिल्ट्रेड जो आएगा उसको इवेपोरेट टू ड्राइनेस कर देंगे। ये जो अल्कोहलिक या फिर इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो मिला है, ये जो ड्राइनेस के बाद जो हमें ड्राई रेसिड्यू मिलेगा, ये हमारा अल्कोहलिक ड्राई रेसिड्यू होगा आफ्टर द रिफ्लक्सिंग, तो इसको बोलेंगे इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट। इसको डिसॉल्व करेंगे 2 ml मिथेनॉल के अंदर एंड 2 ml क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो ये जो मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन जो हमें मिलता है, इसी सॉल्यूशन को बच्चों हमें एज ए सैंपल की तरह यूज़ करना है इन द क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी में जो मेथड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और जैसा कि हम जानते हैं, ये सैंपल प्रिपरेशन तो हो गया, अब सैंपल प्रिपरेशन के करने के बाद TLC को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। एक तो स्टेशनरी फेज़ होना चाहिए, मोबाइल फेज़ होना चाहिए, और डिटेक्शन होना चाहिए। डिटेक्शन का मेथड अलग अलग हो सकता है। स्टेशनरी फेज जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी सिलिका जेल, जी स्टैंड फॉर द जिप्सम। और मोबाइल फेज जो इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी टॉल्यूइन, इथाइल एसीटेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो इनका जो रेशो यूज़ कर रहे हैं, टोल्यून लिया जाएगा 12.5, इथाइल एसिटेट लिया जाएगा 7.5,
पर ग्लिसरल एसिटिक एसिड लिया जाएगा 0.5। तो अराउंड 100 ml या फिर 200 ml अगर दो ग्लास जार के अंदर अगर हम अपने TLC को परफॉर्म करेंगे तो हमें करीब 200 ml की रिक्वायरमेंट रहेगी सॉल्वेंट सिस्टम की। अगर एक में कर रहे हैं तो 100 ml इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो 100 ml की कैलकुलेशन के हिसाब से हम मोबाइल फेस प्रिपेयर कर लेते हैं। इस मोबाइल फेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ग्लास चैम्बर के अंदर। ग्लास चैम्बर को ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा ग्लास का जो ग्लास चैम्बर का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह सैचुरेट हो जाए मोबाइल फेस से। और जिसके होने का कारण क्या है, इसे करने की ज़रूरत क्या है, सैचुरेट करने की ज़रूरत क्या है, उसका रीज़न यही है कि जो हमारा जो एजिंग इफ़ेक्ट है वो इसके द्वारा प्रिवेंट हो जाएगा। एजिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने सैचुरेट नहीं किया है चैम्बर को तो हमारा जो मोबाइल फेस जो स्टेशनरी फेस सिलिका जेल के ऊपर जो कि ग्लास प्लेट के ऊपर रखी बनाई गई है, जब उसके ऊपर रन कराते हैं तो वो साइड से पूरी तरीके से रन नहीं करती है, कर्व की फॉर्मेशन कर देती है। तो कर्व नहीं चाहिए हमें, एक स्ट्रेट लाइन में ही हमारा सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना है। तो वो कब होगा, जब हमारा चैम्बर जो है ग्लास चैम्बर जिसके अंदर हम अपना स्टेशनरी फेज रख रहे हैं वो मोबाइल फेज से पूरी तरीके से सैचुरेट होगा। इसको इस अगर ये नहीं होता तो एक इफ़ेक्ट होता है एजिंग इफ़ेक्ट, वो प्रोड्यूस हो सकता है। एक बात और है कि हम जो सैम्पल प्रिपरेशन जो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने सैम्पल प्रिपरेशन बनाया, इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को डिसॉल्व किया था मिथेनॉल के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, तो ये जो सैम्पल प्रिपरेशन हुआ है बना जो है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। सपोज़ कीजिए अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया और उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की मैंने स्पॉट लगा दी अपने TLC के ऊपर, सिलिका जेल लिए, सिलिका जेल को हमने स्प्रेड कर दिया अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर या फिर TLC प्लेट के ऊपर, सुखाया उसको, हॉट एयर ओवन के अंदर रखा 110 डिग्री टेम्परेचर पे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। जब उसको निकालते हैं तो एयर ड्राई करते हैं, एयर ड्राई करने के बाद हम उसमें अपने सैंपल एप्लीकेशन करते हैं। जब सैंपल एप्लीकेशन करेंगे तो जो हमारा जो सैंपल है वो हाईली कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए कि हाईली कंसनट्रेटेड अगर हमारा सॉल्यूशन की स्पॉट हमने TLC प्लेट पे लगा दिया, जब हम उसको TLC चैम्बर में रखते हैं मोबाइल फेस के साथ, जब वो रन करता है तो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है टेलिंग इफ़ेक्ट। टेलिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, टेलिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि एक बहुत ही डार्क कलर की जो लाइन है सॉल्वेंट के साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाती है स्पॉट जहाँ पे लगाया था। उसका कारण यही है कि बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का हमने सैंपल प्रिपरेशन जो करी थी बहुत ही कंसनट्रेटेड थी और उसको यूज़ कर लिया। उस कंडीशन में हम RF वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर दैट रीज़न इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जो हम सैंपल सॉल्यूशन बना रहे हैं वो ऑप्टिमम कंसनट्रेशन का होना चाहिए। सॉल्वेंट के साथ आगे की तरफ तो मूव करे मगर बहुत ही ज़्यादा एक डार्क लाइन की फॉर्मेशन ना हो। तो ये कुछ मैनुअल एरर्स होते हैं TLC के अंदर जो जनरली पाए जाते हैं और इस इफेक्ट को बोला जाता है टेलिंग इफेक्ट। तो टेलिंग इफेक्ट जो प्रिवेंट किया जाता है बाय यूजिंग द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल प्रिपरेशन शुड बी अप्लाई टू द TLC प्लेट विद द सिलिका जेल। ठीक है, तो ये पॉइंट एक हो गया हमारा। तो स्टेशन फेज हो गए सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज हो गए टॉलिन इथाइल एसिड डाइथैलामाइन। आप डिटेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम स्प्रेइंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स, और दूसरा हम UV चैम्बर के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जो यूज़ किया है वो UV चैम्बर को यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने जो सिलिका जेल और मोबाइल फेज और जो अपने जो सैम्पल प्रिपरेशन लगाया कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी होने के बाद उसको निकाला, प्रॉपर मोबाइल फेज का मूवमेंट सिलिका जेल पे होने के बाद उसको निकाला, ड्राई किया और ड्राई करने के बाद उसको UV चैम्बर के अंदर देखा, तो उसमें हमें स्पॉट की फॉर्मेशन हो रही है उसको मार्क किया और उसकी RF वैल्यू कैलकुलेट करी। RF वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करना जरूरी है, या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमें पता है तो उसके अगर समकक्ष हमारी किसी एक कंपाउंड, सपोज़ ये 3 कंपाउंड के स्पॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अगर एक कंपाउंड की RF वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड के साथ अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो हमारा ग्लाइसिराइजिनिक एसिड होगा। तो ये हमारा TLC करने का एक प्रोसीजर पार्ट था। यहाँ पे आप आगे देखेंगे जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था तो यहाँ पे हमें 3 स्पॉट जो हैं वो UV चैम्बर के अंदर दिखाई दिए थे जिनकी RF वैल्यू थी 0.42, 0.46 एंड 0.53। क्लियर, तो ये कुछ RF वैल्यू हमें मिली थी। इसमें अब स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ग्लाइसिराइजिन की अगर हमें पता है तो उसके साथ हम उसको मैच कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक के अंदर मेंशन होती है। तो ये बच्चों एक आइडेंटिफिकेशन मेथड था जिसको हम
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। एक मेथड और है जिसको हम केमिकल टेस्ट के नाम से जानेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं लिक्योरिस की, तो कोई स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जरूर हो सकते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, तो अगर लिक्योरिस ड्रग पाउडर को लिया जाता है और वाटर के साथ अगर शेक करते हैं तो झाग की फॉर्मेशन होती है, सोप की फॉर्मेशन होती है, फोम की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो ड्रग है ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है। दूसरा एक टेस्ट होगा, अगर कोई भी ग्लाइकोसाइड होगा तो उसके अंदर हम रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मगर उसको करने का तरीका क्या है, पहले तो मैं ये इसका मेथड बता देता हूँ किस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। जनरली हम जानते हैं रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी टेस्ट जो होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है और कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर ये पाया जाता है। इसे करेंगे किस तरीके से, मिक्स करेंगे 1 ml फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड 1 ml फैलिंग सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन को मिक्स कर लेंगे। इसको बॉयल करेंगे, इस मिक्सचर को, दोनों के मिक्सचर को बॉयल किया जाएगा एक मिनट तक। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो स्टेप किया जा रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोलाइटिंग एजेंट्स, जो हाइड्रोलाइसिस करने वाले जो एजेंट है वो डाले जा रहे हैं। HCl डाला ज़्यादा जा सकता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। इसको हीट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के हीट करने के बाद पहले इसमें येल्लो सा कलर आता है। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं तो आफ्टर 5 to 10 मिनट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे हमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट ऑप्टेन होते हैं। ये क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है और ये इंडिकेट करेगा कि ये फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए पॉजिटिव पाया जा रहा है। मगर अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है इस केमिकल टेस्ट के अंदर। हम ये बात जानते हैं कि ये जो हमारी जो लिक्योरिस जो ड्रग है ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है, और अगर ग्लाइकोसाइड होगा तो ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन क्या होती है। ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर 2 यूनिट प्रेजेंट रहती है, तो ग्लाइकोन यूनिट और एक ए ग्लाइकोन यूनिट। ग्लाइकोन को हम शुगर मोइटी बोलते हैं और ए ग्लाइकोन को नॉन शुगर यूनिट के नाम से या फिर मोइटी के नाम से जाना जाता है। जब हम ग्लाइकोसाइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो शुगर और नॉन शुगर पार्ट हैं ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक स्टेप जो यूज़ किया गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोलाइटिंग एजेंट जिसको मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ये एक स्पेशल स्टेप है जो कि रिक्वायर्ड है। अगर ग्लाइकोसाइड के अंदर रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाना है तो हाइड्रोलाइसिस करना ज़रूरी है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ये शुगर और नॉन शुगर हैं वो हमारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं, और इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाइड्रोलाइटिक रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कॉमन जनरल केमिकल टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी, तो उसमें जनरली हम हाइड्रोलाइटिक रिएजेंट स्पेसिफिकली स्टेप पे नहीं डालते। मगर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आ रही है, ग्लाइकोसाइडल ड्रग है, तो ग्लाइकोसाइडल ड्रग होने की वजह से शुगर और नॉन शुगर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जब तक ये आपस में जुड़े रहेंगे तब तक ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। फॉर दैट रीज क्यों नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। शुगर पार्ट जब तक अलग नहीं होगा तब तक वो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि हमें HCl या फिर H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का एडिशन करना जरूरी हो जाता है। उसका कारण है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटेगा, शुगर पार्ट अलग होगा, नॉन शुगर पार्ट अलग होगा, शुगर पार्ट फ्री है फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी के साथ रिएक्ट करने के लिए, तब जाके रेड कलर की प्रेसिपिटेशन पाई जाएगी। अगर सपोज़ कीजिए लिक्योरिस का पाउडर लेता हूँ और उसमें किसी प्रकार का स्पेशली हाइड्रोलाइटिक रिएजेंट अगर ऐड नहीं करते तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें हाइड्रोलाइटिक रिएजेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट था टू परफॉर्म द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ द ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग। लिक्योरिस ड्रग पाउडर ली थी, ये फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आ गया, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर दोनों पैरामीटर आ गए, हमारे TLC भी आ गया और हमारा केमिकल टेस्ट भी आ गया है। तो आज के लिए ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये कम्प्लीट होता है। यूजेस के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रिजल्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि जब हम लैब के अंदर जाएंगे तो उसको और परफॉर्म करके देख लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय।